subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुधा सिंह अंधेरी वार्ड 67 की नगर सेविका से हमने बात की। सुधा जी ने कोरोना पैंडेमिक में लोगों की बहुत मदद की, अपने वार्ड में बहुत मदद की है, बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। देखिए काशिफ जैदी की यह रिपोर्ट। आज हमारी टीम आई है अंधेरी ईस्ट में सुधा सिंह के पास, जो कि वार्ड 67 की नगर सेविका हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने कोविड के टाइम में क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरीके से कार्य किए। सुधा सिंह जी, जैसे कि कोविड आया बगैर बुलाए मेहमान कह सकते हैं उसको, और आने के बाद इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। उस वक्त लोगों के पास खाने को नहीं था, उसमें आपने क्या कार्य किया? उसमें हम लोगों ने अपने जो हमारे अंधेरी विधानसभा के विधायक हैं स्थानीय मेले अमित साटम जी, उनके नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में हम 5 नगर सेवक ने मिलके काम किया, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की हम लोगों ने काम करें, लोगों का सहयोग करें, जिसमें खाने का हुआ स्टार्टिंग में फूड के, क्योंकि लोगों के पास बहुत परेशानी थी, लोग अपने गांव भाग रहे थे, अपने घर जाना चाह रहे थे, पैसे नहीं थे, तो जो भी सहयोग हो सका हम लोगों से, कि हम लोगों ने गाड़ी भी ली रेंट पे, उनको उनके गांव तक पहुंचाया, ऐसा भी हुआ है। और हर बिल्डिंग में, अपने वार्ड में, वार्ड 67 में, चाहे स्लम हो, बिल्डिंग हो, एसआरई की बिल्डिंग हो, वो उसमें हम लोगों ने सैनिटाइजर किया, और हैंड सैनिटाइजर हुआ बिल्डिंग में किया। सेकेंड, उसमें जो भी ग्लव्स हुआ, मास्क हुआ, ये सब जो जरूरत की चीजें थी वो हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया, और राशन किट कम से कम अपने वार्ड में हमने, अगर पूरे विधानसभा में तो बहुत ज्यादा किया गया, हमारे मेले में किया, अपने वार्ड में हम लोगों ने लगभग 4,000 से 5,000 हम लोगों ने राशन किट दिया। जैसे कि आपने बताया कि आपने ये सब कार्य किया, अभी आने वाला टाइम जब ये सब पेट क्या जो हो गया, लेकिन इसके बाद एक प्रॉब्लम ये खड़ा हुआ कि लोगों के साथ स्कूल में फीस भरने के लिए नहीं है, तो आपने कोई अपने वार्ड में जाके कोई स्कूल वालों से बात करी? हाँ, स्कूल में बात भी की, हम लोगों ने लेटर भी लिखा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेटर लिखा, और हमारे जो यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उनको भी हमने लेटर लिखा कि एटलीस्ट, क्योंकि लोगों की नौकरी नहीं थी और फीस स्कूल वालों को चाहिए ही चाहिए था, आपको कंपलसरी फीस जमा करना है, अब वो कहाँ से करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, काफी परेशानी हुई, लेकिन कुछ रिटर्न कुछ नहीं आया हम लोगों को। नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन लोगों ने एक पैसे नहीं माफ किए, यहाँ तक कि स्टार्टिंग में बस का भी लिया उन लोगों ने, जो बच्चे बस में जाते हैं, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में ले लिया था उन्होंने हाफ मंथ का, वो भी लिया, कई स्कूल से पेरेंट्स ने हमें कंप्लेन किया, लेकिन चूंकि दे चुके थे, और वो बिल हो कुछ भी, अपना कुछ भी नहीं कम किया उन्होंने। अभी है एक दो तीन स्कूल ऐसे हैं जिसमें हमारे खुद बच्चे जाते हैं पढ़ने, ग्रैंडसन हमारे, लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते, अभी नाम लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे क्या मतलब, कोई आपको ऐसे चाहिए तो हम बता देंगे नाम। अच्छा, ये हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल है, उन्होंने तो अपनी मनमानी चलाई है और काफी अभी भी चला रहे हैं, जो लंबा लंबा बिल भेज रहे हैं, उसमें आपने अपने एरिया में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आपने बात की? हाँ, हॉस्पिटल में भी बात की, आपको हमारे ये देखिए BSES हॉस्पिटल है आपके 4 बंगले पे, अपना कोकिला अंबानी हॉस्पिटल, पर वो एक होता है ना, कहावत है हम लोगों के यहाँ, वो चाहे डॉक्टर हो या ऐसे कई डिपार्टमेंट है जिसपे लागू होता है, आप पैसे दो कहाँ से ला रहे हो ये नहीं मालूम है उनको, बस पैसे हमको चाहिए, तो उस समय परिस्थिति हम लोगों ने देखी है,
अब ये करीब हमें लगता है एक महीने से थोड़ा सा एक पटरी पे पब्लिक धीरे 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 घर अपने उनके सुधर रहे, लेकिन अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज्यादा। आने वाले वक्त में एक साल बाद इलेक्शन है और अभी काफी कार्य आपका पेंडिंग है, तो कैसे पूरा करेंगे आप? कार्य जो भी पेंडिंग है हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा काम करें अपने एरिया में। और अभी है 2022 में जो फेब में फर्स्ट सेकंड वीक तक इलेक्शन जो डिक्लेयर होगा, डेट जो भी आएगा, और काम तो हम लोग कर ही रहे हैं और कोशिश भी है कि अच्छा से अच्छा मतलब काम करें हम। अच्छा एक मुद्दा है वो कि किसान जो है इस वक्त कि हमारी थाली को भरने वाला किसान इस वक्त बैठा हुआ है, तो इस पे आपकी सरकार की, आप बीजेपी से हैं तो आप कुछ किसानों के लिए कोशिश करिए आपने? ये आपको भी पता होगा ना कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, तो किसान आंदोलन में आप देखिए वहां जो आंदोलन कर रहे जो बैठे हैं वो उसमें अगर आप चेक करेंगे आज भी जाके, तो आप ये देखिए ओरिजिनल उसमें किसान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। वो बाकी आप स्टेट में देखिए किसान अपने कामों में लगे, अपनी खेती में लगे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना काम छोड़ के जाके आंदोलन में बैठेंगे। तो आप देखिए चाहे यूपी हो महाराष्ट्र हो, ओरिजिनल जो किसान हैं अपने वो फार्मर्स तो अपनी खेती में लगे हुए हैं, वो आंदोलन में नहीं बैठे हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में वैक्सीन आने वाली है अभी और उसको टीकाकरण होगा, तो उससे कुछ इंफेक्शन तो नहीं होगा, इससे कुछ अफवाह नहीं है उसके बारे में क्या है? नहीं, अफवाहें तो ऐसा मतलब क्या होता है ना, सबके अपने अपने राय होती है अलग, और जहां हम 10 लोग होते हैं सबकी अपना अपनी अलग राय, और जो गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है, जो गवर्नमेंट सप्लाई करेगी, जो बीएमसी सप्लाई करेगी, वो गलत चीज क्यों देगी वो? और इसमें तो हाँ अभी सरकार ये कह रही है कि अभी मार्केट में कम से कम अभी हमें लगता है 10-15 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा वो कि आपको खरीदना है मार्केट से, तो अभी आप ले नहीं सकते। गवर्नमेंट के थ्रू बीएमसी के थ्रू जो होगा वो सबसे पहले प्रोवाइड होगा, फिर वो पब्लिक तक भी आ जाएगी। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं और ये अपने वार्ड के आप लोगों को कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं? हम आपके थ्रू यही कहना चाहते हैं हमारे जो वार्ड के हैं, हमारी जो जनता है, हमारी देश की जनता है, हमारे महाराष्ट्र की जनता है, कि जो भी नियम पालन होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अपने स्टेट गवर्नमेंट हो, तो कुछ कोई भी चीज हमें मतलब गलत ढंग से नहीं करना है, हमें उनका पालन करना चाहिए, प्रशासन पालन करना चाहिए, और जो नियम है आप उस नियम के साथ चलें। और अभी भी जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी पहले में हमें बहुत फर्क हुआ है कोरोना का, लेकिन फिर भी जो है आप मास्क है, फिर भी 6 महीना तो कंटिन्यू अभी आप उसको मान के चलिए और उसका नियम पालन करें आप। थैंक यू।